गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइडेड। तो हमें 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो इसमें एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन एन। तो 360 अपॉन एन की वैल्यू 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 36, 0, इसका आंसर आ जाएगा आपका 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। तो हमें रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स बतानी है अगर उसका एक इंटीरियर एंगल 165 है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है वन एट्टी माइनस इंटीरियर एंगल। वन एट्टी में से 165 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 15। अब नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना, 15। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 30, 15 4 60, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24। क्वेश्चन नंबर 5, कैन 21 डिग्री बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। क्या रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 21 हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि 21 से 360 पूरा डिवाइड नहीं होगा। थैंक यू।